तो अभी टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। आज की हेडिंग लिख लो, म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन होती क्या है? हमने एक कॉइल ली, सामने बोर्ड पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक कॉइल ली, उसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, स्विच से कनेक्ट किया, तो उसके अंदर जब हमने बैटरी ऑन कर दी, तो हमने स्विच ऑन कर दिया, तो हमने ये देखा था उसके अंदर एक फंडा आया जिसको मैंने कहा सेल्फ इंडक्शन, या इस कॉन्स्टेंट को हम कहते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अब हमने क्या करा है, अब जब आपने अपनी सेम कॉइल में करंट दिया, उसी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज हुआ और उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो उस फंडे को तो हमने कहा सेल्फ इंडक्टेंस। अगर आपने यही काम एक और कॉइल ले ली, एक कॉइल आपने ली, इस कॉइल को मैंने कहा कॉइल वन, उसके साथ मैंने एक दूसरी कॉइल और ले ली, ठीक है, इस दूसरी कॉइल के अंदर मैंने करंट की सप्लाई नहीं करी, बस इसके अंदर बेटा मैंने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, ठीक है। लेट सपोज कि ये जो कॉइल है इसकी लेंथ L1 है, ये जो कॉइल है इसकी लेंथ L2 है, बट अगर मैं आगे जाके देखूंगा तो मुझे L1 और L2 को इक्वल एज्यूम करके चलना है, तो अभी मैं मान के चल रहा हूं जो दोनों मैंने कॉइल्स ली हैं, एक जिसके अंदर मैं करंट की सप्लाई करूंगा और एक जिसके अंदर मैं देखूंगा कि करंट आ रहा है या नहीं, गैल्वेनोमीटर टच कनेक्ट करने का मतलब ये है, गैल्वेनोमीटर ये डिटेक्ट करके बताएगा या सेंस करके बताएगा कि उसके अंदर करंट है या नहीं। तो दोनों की जो कॉइल्स हैं उसके लिए मैंने लेंथ सेम रखी है, बट इस वाली कॉइल, अगर मैं कॉइल वन की बात करूं, उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होंगे वो होंगे एन वन, और जो कॉइल टू है इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होंगे वो होंगे एन टू। तो अगर मैं इस कॉइल के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूं वो हो जाएगा एन वन इंटू एल, और अगर मैं इस कॉइल के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूं वो हो जाएगा एन टू इंटू एल। ये अभी इस्तेमाल नहीं करनी, ये आगे करनी है, बट इसको मैं अभी यहां बता। तो अब क्या किया, जैसे ही मैंने इस वाली कॉइल का स्विच ऑन किया, पहले इसके अंदर करंट क्या था, पहले इसमें करंट की वैल्यू क्या थी बेटा, करंट की वैल्यू थी जीरो। ये पहली केस हो गया, आप इसको पहला केस भी मान सकते हो कि जब कॉइल वन के अंदर करंट की वैल्यू जीरो थी, तो उस केस के अंदर अगर कॉइल वन लूंगा तो मैं यहां पे करंट वन लिखूंगा, जब इसके अंदर करंट की वैल्यू जीरो थी तो जो कॉइल टू है उसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर ने जो करंट शो किया जीरो। जैसे ही मैंने स्विच ऑन कर दिया, जब मैंने इसका स्विच ऑन किया तो करंट आपका जीरो से आई वन या आई जो भी वैल्यू इंक्रीज हुआ होगा, जब धीरे धीरे करंट इंक्रीज हुआ तो हमने ये देखा इस गैल्वेनोमीटर ने भी कुछ करंट शो किया, और जो वो करंट शो किया वो माइनस डायरेक्शन में शो किया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जो जब भी आपका करंट इंड्यूस होता है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अभी हमें यहां पे कोई मतलब नहीं है, बस हमने क्या करा है, ये एक्टिविटी आपने अगर याद हो, हमने दो एक्सपेरिमेंट किए थे जब चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी, जिसमें हमने दो कॉइल भी ली थी, तो ये वही वाला एग्जांपल मैं दोबारा से बता, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, करंट इसके अंदर आई अचीव हो गया, जब करंट इसके अंदर आई अचीव हो गया तो हमने ये देखा जो ये दूसरी कॉइल है इसके अंदर जो करंट है फिर से क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसका स्विच, यहां पे मैंने अगर स्विच ऑन किया था तो थोड़ी देर बाद मैंने इसका स्विच क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने का मतलब क्या है, करंट आई से क्या हो गया, जीरो, मतलब इस वाले केस में क्या हुआ, करंट इंक्रीज हुआ, और इस वाले केस में करंट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। और जब करंट डिक्रीज हुआ तो हमने ये देखा इस केस में भी जो यहां पे गैल्वेनोमीटर था उसने भी करंट कुछ शो किया। अगर यहां पे करंट कम हो रहा है तो यहां पे इसने क्या करा, इस चेंज को अपोज किया, और इस चेंज को अपोज करने में जो करंट आया वो इंक्रीजिंग करंट आया, तो इसलिए यहां पे मैंने जो करंट देखा मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में देखा। जैसे कि अगर ये गैल्वेनोमीटर है, जब करंट मेरा इंक्रीज हुआ, ये इसका जीरो लेवल है, गैल्वेनोमीटर में कुछ ऐसा कुछ सुई होती होगी, तो जब मैंने करंट इसका इंक्रीज किया तो लेट सपोज ये गैल्वेनोमीटर ऐसा हिल गया माइनस टू, और जब करंट डिक्रीज हुआ तो उस केस में गैल्वेनोमीटर ऐसा चला गया प्लस टू, ठीक है। बस उसने क्या किया, जो चेंज यहां पे हो रहा है उस चेंज को अपोज करने के लिए इसने एक ईएमएफ इंड्यूस किया होगा, और उस ईएमएफ को इंड्यूस करने के बाद एक करंट भी इंड्यूस हुआ होगा। तो कहानी यही है, क्या है कि जब आपने दो कॉइल्स को पास पास रखा
और जब उसमें से किसी एक कॉइल के अंदर आपने करंट ऑन किया, तो करंट के ऑन होने से क्या होता है, व्हेनेवर देयर इज करंट, इस जब करंट को आपने ऑन किया तो करंट के ऑन होने से इसके अंदर बेटा क्या प्रोड्यूस हुई होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड। और जब एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड इस वाली कॉइल के साथ लिंक हुई होगी, और जब वो इस वाली कॉइल के साथ लिंक हुई होगी तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ होगा। इस कॉइल के अंदर करंट डालने से इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, कितनी मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल ने प्रोड्यूस करी, म्यू नॉट इंटू एन वन इंटू आई वन। आपको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, ठीक है, वो एक नंबर ऑफ टर्न के लिए होती है, बट अगर हमारे पास इतनी नंबर ऑफ टर्न है बट मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारी इतनी प्रोड्यूस होगी होगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इस कॉइल के एरिया के साथ अटैच होगी तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स महसूस करेगी, और वो फ्लक्स का मतलब है बी ए कॉस थीटा। बी किसका, पहले वाली कॉइल का, एरिया किसका, दूसरे वाली कॉइल का। और क्योंकि मैं करंट को चेंज कर रहा हूं, या तो करंट को बढ़ा रहा हूं या करंट को डिक्रीज कर रहा हूं, उसी केस में ही तो दूसरी वाली कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ है। करंट को बढ़ाने से या करंट को कम करने से एक चीज में चेंज आता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये हम पढ़ चुके हैं फैराडे लॉ से। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और इस ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से ही बार बार ये जो आपका जो दूसरे वाली कॉइल है उसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो रहा है। और इस पूरे फंडे को जब आप करंट एक कॉइल में देते हो और दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, इस फंडे को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, व्हेन यू हैव टू नेबरिंग कॉइल्स, व्हेन यू हैव टू नेबरिंग कॉइल एंड व्हेन करंट चेंज टेक्स प्लेस इन वन कॉइल। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, करंट का चेंज हो रहा है और इसकी वजह से दूसरी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है, देन करंट इंड्यूसेस इन अनदर कॉइल एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद एक्चुअली में जो मैंने आपको समझाया है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस वो किसकी वजह से रही है, ये जो हमें पता है फैराडे सेकंड लॉ होता क्या है, वो यही तो कहता है कि इसके अंदर करंट दिया, लिखिए करंट इन द फर्स्ट कॉइल मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल के अंदर करंट देने से इसने इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई, इस मैग्नेटिक फील्ड ने सेकंड कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक किया और जो फ्लक्स बनाया वो इतना फ्लक्स बनाया, बट क्योंकि करंट चेंज हो रहा था उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा था, एंड ड्यू टू द चेंज इन द फ्लक्स इन द सेकंड कॉइल इट इंड्यूसेस ईएमएफ इन द सेकंड कॉइल एंड करंट इज इंड्यूस्ड। मतलब कि आपने दिया करंट पहली कॉइल में, करंट किसमें दिया, पहली कॉइल में, और ईएमएफ किसमें इंड्यूस हुआ, दूसरी कॉइल में, ईएमएफ दूसरी कॉइल में इंड्यूस हुआ। और जो दूसरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो किसकी वजह से इंड्यूस हुआ है, वो हुआ है फ्लक्स की वजह से। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो दूसरी कॉइल का फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के इन द फर्स्ट कॉइल। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए वी यूज अ कॉन्स्टेंट, एंड दैट कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नोन एज कॉन्स्टेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस विच इज रिप्रेजेंटेटेड बाय कैपिटल एम, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, phi 2 is equal to m into i, और अगर मैं m को define करना चाहूँ, it is nothing but phi divided by i1. This m is the constant of mutual inductance. Note down करना शुरू कर दो, ठीक है। पहले self inductance के लिए constant क्या था, l, और mutual inductance के लिए constant क्या है, capital m. अच्छा, अब इस M को आप कंफ्यूज मत करना कि सर ये तो आपने मैग्नेटाइजेशन में भी बताया था, एक बार ये आपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में भी बता दिया था, तो बस ध्यान रखना ये वो नहीं है, ठीक है। तो इसका मेरे लिए, मेरे पास कोई और वर्ड नहीं है, ठीक। तो बेटा यहां पे हमने ये देख लिया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस को हमने किसके बराबर कर दिया, दिस इज द फ्लक्स
इन कॉइल टू, जो फ्लक्स आपकी कॉइल टू में आ रहा है डिवाइडेड बाय करंट इन कॉइल वन। तो अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैपिटल एम को डिफाइन करना चाहूं, इसको डिफाइन करने के लिए एक तरीका है कि जो डिनोमिनेटर में चीजें हैं उसको हम क्या बना देते हैं, यूनिटी। तो अगर आपकी कॉइल वन के अंदर फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर हो जाए, ठीक है, अगर आपके कॉइल वन के अंदर फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर हो जाए, तो उस केस में जो कॉन्स्टेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो और कुछ नहीं, किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के, और मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सा, जो कि कॉइल टू में होगा, ठीक है। तो देखिए, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करने का तरीका क्या है, ठीक है, व्हेन व्हेन द करंट इन कॉइल वन, व्हेन द करंट इन कॉइल वन इज 1 एम्पियर, व्हेन द करंट इन कॉइल वन इज 1 एम्पियर, देन द कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, देन द कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल टू। क्या वो मैं खस्ती हुई है बीच बीच में, दोहरे पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स आपके सामने इन द कॉइल टू, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स की बेटा यूनिट क्या होती है, फटाफट से बताइए, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट हमने पहले पढ़ चुकी है, वो होती है वेबर, ठीक है, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो वेबर पर एम्पियर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इट इज 1 हेनरी, ठीक है, 1 वेबर पर एम्पियर इज इक्वल टू 1 हेनरी। तो चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, हेनरी, लिख लीजिए। इसके बारे में 1 हेनरी क्या होता है ये हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो यूनिट है वो बराबर है, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, देखो जैसे कि हमने सेल्फ इंडक्शन में भी देखा था कि जो आपका जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, उसमें भी हमने ये चीज करी थी, और यहां पे भी हमने ये देखा कि जो फाई टू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई वन के, ठीक है। बट एक चीज हमने इसमें ये सेटअप करी थी कि करंट के बढ़ने और कम होने की वजह से आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है, मतलब कि जब आपका करंट जीरो से वन हुआ, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन करंट, जब करंट जीरो था इसके अंदर इंड्यूस करंट कितना, जीरो, जब करंट यहां पे आई था इसके अंदर इंड्यूस करंट कितना, जीरो। इसको करंट होने और ना होने से फर्क नहीं पड़ता, मान लो कि करंट पहले आपका 5 एम्पियर था और उसके बाद मैंने करंट 50 एम्पियर कर दिया, तो क्या आपका जो ये फाई है ये बढ़ेगा, नहीं, इसके अंदर कोई फर्क नहीं आने वाला है। पता है क्यों, क्योंकि जो हम फर्क देखते हैं ना वो ये देखते हैं कि 0 से 50 या 5 से 50 होने के बीच में जो चेंजेस आए होंगे, उस चेंजेस इन करंट की वजह से ही आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ होगा, और उसी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इस केस में और इस केस में आपका करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, तो कुल मिलाके जो आपका जो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस या जो आपका जो फ्लक्स हो रहा है, फ्लक्स किसकी वजह से आ रहा है, फ्लक्स आ रहा है वो आपका चेंज इन करंट की वजह से आ रहा है। चेंज इन करंट किसकी वजह से, जैसे जैसे समय बीत रहा है उस बीते हुए समय में कितना करंट चेंज हुआ, चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम, उसके ऊपर आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस या सॉरी उसके ऊपर आपका ईएमएफ डिपेंड करता है। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपने फैराडे सेकंड लॉ दोबारा उठाएंगे, क्योंकि हमने ये देखा अगर इसके अंदर करंट आया है तो इसके अंदर करंट आने से पहले कौन आया होगा, एक ईएमएफ। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल टू, कॉइल टू के अंदर ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ होगा, इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, कि भाई ईएमएफ कॉइल टू में इतना इंड्यूस हुआ होगा जितना उसके अंदर चेंज इन फ्लक्स हो रहा है। फाई टू,
फाई किसमें, जिसमें अंदर चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, करंट इसके अंदर दिया बट फ्लक्स इसके अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके एरिया से लिंक हो रही है। अगर जैसे जैसे पहले करंट कम था तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, करंट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़नी शुरू हो गई और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़नी शुरू हो गई तो फ्लक्स चेंज होना शुरू हो गया, ठीक है। तो अगर हमने ईएमएफ निकालना है तो ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस डी बाई डी टी ये फाई किसके बराबर है, ये फाई टू अभी हमने आई वन इंटू एम के बराबर किया, यही अभी किया, तो इसको हम लिख सकते हैं एम इंटू आई वन, क्योंकि m क्या है, m तो एक कांस्टेंट है, किसकी तरह, सेल्फ इंडक्टेंस की तरह कांस्टेंट है, तो वो आपके डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, तो माइनस m डी आई बाई डी टी। तो m भी मतलब अब मैं कह सकता हूं कि जो emf है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के नहीं है, वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के है, कि टाइम के हिसाब से करंट कितना चेंज हो रहा है उस हिसाब से आपका ईएमएफ जनरेट होगा। तो यहां से मैं अपनी म्यूचुअल इंडक्टेंस के कांस्टेंट की या कोफिशिएंट की दूसरी डेफिनेशन भी डिफाइन कर सकता हूं। तो अगर मैं माइनस को इग्नोर कर दूं, व्हाट इज माइनस साइन फॉर, माइनस साइन इज ओनली रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज अपोजिट, कि जो आपने पहले दिया था उसके अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। तो ईएमएफ हमारा कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय डी आई बाय डी टी, ठीक है। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाएगा, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंड कॉइल इज नथिंग बट द कॉन्स्टेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, कि इस वाली कॉइल के अंदर अगर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मुझे यहां पे एक्चुअली लिखना चाहिए डी आई वन, क्योंकि जो करंट चेंज हो रहा है वो पहली वाली कॉइल में चेंज हो रहा है। तो अब मैं इसको दोबारा सारा समीकरण करता हूं कि अगर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पहली वाली कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकेंड हो रहा है, मतलब हर एक सेकेंड में करंट कितना चेंज हो रहा है 1 एम्पियर, पहले सेकेंड में करंट था 1 एम्पियर, दूसरा सेकेंड लगते ही करंट हो गया 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, या आपका अगर इंक्रीज होगा तो 1 सेकंड में 1 एम्पियर चेंज होगा, डिक्रीज होगा तो 5, 4, 3, 2, 1 डिक्रीज भी उसी रेट से होगा। व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकंड, इन दैट केस द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल टू इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है, लिखिए इसको। If in coil 1, the rate of change of current, is 1 ampere per second, then the induced EMF in coil 2, will be equal to the mutual inductance, between coil 1 and coil 2, ठीक है। अगली लाइन लिखिए, mutual inductance, ये जो mutual inductance है ये क्या है बेटा, एक तरीके का कॉन्स्टेंट ही है, और जो ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज होती हैं, मान लो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट चेंज हुआ तो कौन बदलेगा, क्या एम बदलेगा, मान लो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 5 एम्पियर पर सेकंड हो गया तो उसका एम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसका एम के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको फर्क किसके ऊपर पड़ेगा, फर्क ईएमएफ के ऊपर पड़ जाएगा, जितना आप रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे उसका सारा फर्क किस पे जाएगा, ईएमएफ के ऊपर, ईएमएफ चेंज होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट चेंज होगा, बट एम क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखिए, एम डिपेंड्स ओनली अपॉन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉइल, एम डिपेंड्स अपॉन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉइल, लिख लीजिए इस लाइन को, या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ
म्यूचुअल इंडक्शन नहीं इंडक्टेंस लिखना, डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉइल। अब ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉइल के अंदर क्या क्या आता है भाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉइल के अंदर ये देखो, ये मेरी चाहे कॉइल वन ले लो चाहे कॉइल टू ले लो, इसकी ये कॉइल कैसी बनी है अभी हम डिराइव करेंगे, बट समझ लेते हैं। कंस्ट्रक्शन आप सेल्फ में भी देख चुके हो, इसकी कॉइल की लंबाई कितनी है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, इसका जो टर्न का गोला छोटा है तो एरिया कम है, गोला बड़ा है तो एरिया ज्यादा है, तो इन्हीं चीजों के ऊपर हम कहते हैं कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये भी सेम सेल्फ इंडक्टेंस की तरह किसके ऊपर डिपेंड करती है, कॉइल की कंस्ट्रक्शन के ऊपर। ठीक है, अभी हमने बेटा देखो क्या किया, अभी हमने करंट किसके अंदर दिया, कॉइल वन में, ये है आपकी कॉइल वन और ये क्या है आपकी कॉइल टू। तो जो म्यूचुअल इंडक्शन अभी हुई है, जो म्यूचुअल इंडक्शन अभी हुई है इसको हम यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल टू, क्योंकि फ्लक्स उसका चेंज हुआ है, ईएमएफ उसमें इंड्यूस हुआ है, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल टू ड्यू टू कॉइल वन, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल टू ड्यू टू कॉइल वन। अब जो ये म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल टू है ये किस किसके ऊपर आई है, ये आई है बेटा म्यूचुअल इंडक्शन, ये डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, ये डिपेंड कर रही है फाई टू अपॉन आई वन, और कुछ नहीं क्या है फाई टू अपॉन आई वन। ध्यान से देखेंगे इसको, अब ये फाई टू अपॉन आई वन है क्या, फाई टू क्या है, इस वाली कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स, इस वाली कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बना इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मतलब कि पहली कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे कॉइल के एरिया की वजह से। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो ये कॉस थीटा है ये मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू वन है, अभी मैं ये मान के चल रहा हूं। ठीक है, अभी जैसे जैसे इन दो कॉइल की मैं ओरिएंटेशन चेंज करूंगा, अभी एक लाइन और लिखवानी थी मैं भूल गया, कि जो कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है ये केवल कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, और बेटा दूसरी चीज है ये ओरिएंटेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट ओरिएंटेशन पहले इस मुद्दे को समझा दूं फिर ओरिएंटेशन के ऊपर आएंगे। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि ये जो पहली कॉइल है ये ऐसे लगी हुई है, ये दूसरी कॉइल ऐसे लगी हुई है, या पहली कॉइल इसी के ऊपर दूसरी कॉइल इसी के ऊपर चला रखी है, पहली कॉइल ऐसे दूसरी कॉइल ऐसे, मतलब कि दो कॉइल कैसे कैसे रखी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं ओरिएंटेशन। इसके ऊपर हम पढ़ेंगे कि जो म्यूचुअल इंडक्शन है कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी डिपेंड करती है और ओरिएंटेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, केवल कंस्ट्रक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल टू ड्यू टू कॉइल वन होती है phi 2 by I1, और phi 2 क्या होती है b1 into a2, cos theta इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अभी मैं उनकी ओरिएंटेशन का जो कोफिशिएंट है मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी ये वैल्यू मैक्सिमम है वो 1 है। ठीक है, तो phi 2 क्या हो जाएगा बेटा मेरा b1, b1 क्या है म्यू नॉट इंटू एन वन इंटू आई वन इंटू ए टू। ठीक है, यही होता है डिवाइडेड बाय आई वन, ये क्या आ गया मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल टू ड्यू टू कॉइल वन। बट ये कंप्लीट नहीं आई, क्यों, क्योंकि अभी मैंने केवल किसके लिए निकाली है फॉर वन नंबर ऑफ टर्न, मैंने अपनी इस कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं एन टू, लेंथ कितनी है इसकी एल, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न इस कॉइल के कितने, एक टर्म के लिए ये म्यूचुअल इंडक्शन है, बट हमारे कितने टर्म्स हैं टोटल एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और जो टोटल एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एन टू इंटू एल। तो एक्चुअल जो इसकी बेटा म्यूचुअल इंडक्शन है वो है म्यू नॉट एन वन आई वन ए टू इंटू एन टू इंटू एल होल डिवाइडेड बाय आई वन, इस आई वन से ये आई वन कट गया, तो एक्चुअल म्यूचुअल इंडक्शन होती है म्यू नॉट N1, N2, A2, यही है into L। तो म्यूचुअल इंडक्शन किसी भी कॉइल की किसके ऊपर डिपेंड करती है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, कंस्ट्रक्शन म्यू नॉट पर केवल मेरा परमिएबिलिटी कांस्टेंट है हटाओ N1, पहली कॉइल जिसने करंट दिया था उसके नंबर ऑफ टर्न, दूसरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न, दूसरी कॉइल का एरिया उसकी लेंथ,
ये चीज प्रूव हो गई कि जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो केवल कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। ये बात यहां खत्म नहीं हुई, इसके आगे एक पॉइंट और है। क्या पॉइंट और है ध्यान से समझिएगा बेटा, चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो रही है, डिफिकल्ट नहीं हो रही। जब हमने ये देखा बेटा प्लीज, जब इसके अंदर करंट जीरो से आई गया, उसके अंदर करंट माइनस आई इंड्यूस हुआ, यस और नो? अगर इसके अंदर करंट जीरो से दस एम्पियर गया और मान लो इसके अंदर करंट भी माइनस टेन एम्पियर इंड्यूस हो गया, अब वो एकदम से कुछ करके तो नहीं आ गया होगा, एकदम से माइनस टेन की वैल्यू तो आई नहीं होगी। वो माइनस टेन की वैल्यू जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर तब जाके कभी माइनस टेन तक गई होगी। मतलब कि जब इस कॉइल के अंदर करंट आया, वो भी चेंज इन करंट लाया विद रिस्पेक्ट टू टाइम लाया, मतलब कि डी आई बाई डी टी, मतलब डी आई टू बाई डी टी इसमें हुआ। और जब इस वाली कॉइल के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो रहा है, तो इस वाली कॉइल के अंदर कॉइल वन के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। जब इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो रहा था, इसके अंदर क्या जनरेट हो रहा था? ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। और ये हम देख रहे हैं कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कॉइल टू में हो रहा है, तो उसकी वजह से कॉइल वन में क्या हो सकता है? ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से कॉन्स्टेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इस वाली कॉइल में आएगा, उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल वन ड्यू टू कॉइल टू, यस और नो बोलेंगे ना? उसका जो फॉर्मूला होगा, अगर इसका phi 2 by I1 है, उसका फॉर्मूला होगा phi 1 by I2, ठीक है? phi 1 by I2 उसको मैं ऐसे बोल सकता हूं। और जो ये phi 1 by I2 है, phi 1 के लिए उन्होंने क्या लिखा होगा? अब जब हमने phi 2 के लिए लिखा था mu not n1 I1, यहां मैं लिखूंगा mu not n2 I2 A1 डिवाइडेड बाय I2, ठीक है बेटा? क्लियर है बात? उसके बाद इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर देना है? नंबर ऑफ टर्म्स से। जो इसके नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो होंगे n1 into l हो जाएंगे, ठीक है? i2 से i2, अच्छा करंट तो हमारा सेम ही इंड्यूस हो रहा है, करंट तो दोनों का 10 एम्पियर ही लेके चल रहा हूं, तो अगर चाहे मैं i1 लू चाहे i2 लू बात एक ही है, तो i1 और i2 रिप्लेसेबल है, तो यहां पे मैं इसको इससे काट सकता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? वो बचेगा म्यू नॉट एन वन एन टू ए वन इन टू एल। ये है म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल टू ड्यू टू कॉइल वन, ये है म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल वन ड्यू टू कॉइल टू। क्या दोनों में कुछ आपको रिलेशन दिखाई दे रहा है? ये बताओ दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है? क्या आप देख पा रहे हो? है एरिया का डिफरेंस है।